80 नंबर का आपका पेपर है जिसको कि 3 घंटे में सॉल्व करना है और आपका वाइवा होता है। बच्चों मेरा जो मेन इंपॉर्टेंट बात है आपको बताने का कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, किसी भी प्रश्न को लोगे, तो 3 चीजें याद रखना। आप, मैं पाइथन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, जो भी प्रॉब्लम देगा उसका फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम, इन दोनों में से कोई एक जरूर बनाइएगा। इसके बाद बच्चों आप पाइथन में जो कोडिंग करेंगे, कोडिंग आपके प्रोग्राम की, ये दे दीजिएगा। और इसके अलावा बच्चों तीसरी चीज, आप लोग आउटपुट, कोडिंग का जो आउटपुट होता है बच्चों, ये दे दीजिएगा पेपर में। अगर आपने ये 3 चीजें दे दी तो निश्चित तौर से बच्चों ये आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन चाहे जो हो, कोशिश करिए कि उसका फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम कोई एक चीज इनमें से बना दीजिए। कोडिंग तो आप अपना लिखोगे ही प्रोग्राम का, और तीसरा होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका आउटपुट, कि प्रोग्राम में तुम्हारा रिजल्ट क्या आ रहा है। क्योंकि पेपर में बच्चों ये मेंशन है, ये दिया हुआ है आपका, क्या दिया है कि ये तीनों चीजें आप देंगे तब जाके आपको। भाई आप ये सोचिए कि एक एक क्वेश्चन 25 नंबर से कम नहीं आता। 25 नंबर को लेने के लिए क्या खाली आप कोड लिख के चले आएंगे? खाली कोड लिखने से भाई कोई काम नहीं बनेगा, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए।